नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल में धान खरीद घोटाला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर हर किसी की जुबान पर चर्चा है। अभी इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आड़ती क्यों जांच पूरा होने से पहले ही घबरा रहे हैं, क्यों उनके पसीने छूट रहे हैं। दरअसल आज काफी संख्या में आड़ती इकट्ठे होकर डीसी निशांत कुमार यादव के पास पहुंची। इस दौरान आड़तियों ने डीसी से निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि अभी जांच जारी है। आड़तियों पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आड़ती प्रशासन पर इकट्ठे होकर दबाव बनाने की नीति अपना रही है। क्या एसडीएम की जांच पर आड़तियों को भरोसा नहीं है? यदि आड़ती सच बोल रहे हैं, तब एसडीएम आयुष सिन्हा को जांच कर मुकदमा क्यों दर्ज करवाना पड़ा? खैर, कुछ भी हो, मामले को लेकर प्रशासन गंभीर है और जांच अभी जारी है। यहां मजे की बात तो यह है कि आड़तियों के ऊपर जब बात आई तो झुंड में इकट्ठे होकर पहले तो डीसी के पास पहुंच गए, फिर देखते ही देखते पोर्टल का ही दोष निकाल अपनी खाल बचाने लग गए। आपको बता दें कि करनाल में हुए फर्जी अनाज मंडी गेट पास मामले को लेकर बड़ी संख्या में अनाज मंडी के आड़ती लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी धान की परचेज जल्द से जल्द करवाई जाए एवं उठान भी करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जो फर्जी के गेट पास का मामला है, उसमें आड़तियों का कोई दोष नहीं है, जिसके लिए स्पष्ट तौर पर जांच की जाए, दोषी अधिकारियों एवं अन्य पर उचित कार्यवाही की जाए, परंतु जो भी निर्दोष आड़ती हैं, उन पर ना तो रेड डाली जाए और ना ही उसे तंग किया जाए। मौके पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आड़तियों को आश्वासन दिया कि इस मामले में निष्पक्ष तौर पर जांच की जाएगी एवं जो भी दोषी होगा उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेट पास देने के लिए जो बाहर के लड़के लगाए गए थे, उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस मामले को लेकर आड़ती एसोसिएशन के प्रधान रजनीश चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कट गए, मैं कब कह रहा हूँ कि दो कोई निकली सारी है। मैं तो कह रहा हूँ पिछली 1 अक्टूबर से जो हमारी पेंडिंग पड़े किसान आ रहे थे वो ऐसा रही है। सर, पहले भी तो मैनुअल गेट पास काटे जाते थे, जब किसान आ रहे थे तो भी मैनुअल गेट पास काटे जाते थे। जो आज की तारीख में भी तकरीबन हमारे 250 मैनुअल गेट पास है जो अब तक नहीं चढ़ पाए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है इनके पास। और 74 हमारे आड़ती हैं जिसकी मिसमैच है, वो भी इनके पास ऑन रिकॉर्ड। 74 आड़तियों में से अगर 2-3 की एवरेज लगाए तो तकरीबन 250-300 किसान ऐसे हैं जिसके मिसमैच हुए पड़े, अभी तक आई फार्म नहीं चढ़े। रजनीश जी, इसमें गलती किसकी है? बात सुनो, वो भी नहीं चढ़े। अगर वो भी तकरीबन 500 किसानों के हम वो अगर आज की तारीख में हम गेट पास कटवाते हैं तो शो तो उनका भी नहीं करेगा, तो फिर वो भी प्रॉक्सी, फिर कहां का प्रॉक्सी करेगा फिर हम? तो इसी काम में थोड़ी गलती कहां है, किसकी गलती है? गलती पोर्टल की है, जोर से हम कह रहे हैं कि गलती पोर्टल की, उसमें हमारे जो किसानों का वो शो नहीं कर रहा था। जनता बोल रही है तो जनता भी कुछ होगी आपके लिए। तो अधिकारी थोड़ी रजनीश जी, आयुष सिन्हा ने उस दिन खबर की थी, ये कहा था कि फेक गेट पास जो है वो मिले हैं। फेक गेट पास वो उनके नजरों में फेक गेट पास है ना, हमारी नजरों में तो फेक गेट पास नहीं है। हमारी नजरों में तो किसान का माल है, वो फेक गेट पास नहीं है। तो पहले संज्ञान में डाला गया था ये मंडी सेक्रेटरी। ये आपके चैनल्स को, न्यूज को, जितने भी हैं, आप 1 तारीख से परचेज शुरू हुई थी, हमने ऐसा कौन सा दिन आया कि हमने नहीं बोला कि ये पोर्टल ठीक नहीं चल रहा? किसी का 100 क्विंटल था वो 1 क्विंटल दिखाता है, किसी का 1000 क्विंटल है तो वो 100 क्विंटल दिखाता है। आप खुद बता दो, हमने नहीं बोला आपको लोगों को कि आपका पोर्टल ठीक नहीं चल रहा, हमारे गेट पास नहीं कट रहे, हमारे किसान दर भटकते जा रहे हैं, तो उसका ही तो परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं। आप तो ये तो चाहेंगे ना कि ईमानदार अधिकारी अगर इसमें ईमानदारी से जांच करे, अगर जो कसूरवार है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। ये हम कब कहते हैं कि कसूरवार को ना सजा मिले? कसूरवार को मिले, लेकिन ये तो नहीं है कि इसको हाइप कर दो। जब हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये पोर्टल आपका ठीक नहीं चल रहा और इसको जो गेट पास हमारे नहीं कट रहे, तो हमें अपने किसानों के गेट पास कहीं तो कटवाने थे। जो हमने किसानों को पैसे दिए उसकी रिकवरी तो करनी थी, क्या हम रिकवरी नहीं कर सकते जो हमने अपने पैसे दिए इनको? तो वही बात है, और क्या बात है, ये और कुछ भी नहीं है। वो एक नजरों में दिखते हैं कि जो अधिकारी अब तक शुरू जिसकी शुरुआत है उनको देखने में लगता है गेट पास, अगर कोई अच्छा मतलब अधिकारी होता ना, जो एक्सपीरियंस होता, तो वो उनको पता होता कि ये क्या हो रहा है। अब इस मामले को लेकर राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान विनोद गोयल ने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। वो ऐसे दिन में गेट पास प्राप्त हुए जो बिल्कुल मंडी का माल कम हो गया था, और जैसे एसडीएम साहब ने जांच में पाया कि कोई ट्राली क्रॉस नहीं कर रही थी और गेट पास कटे थे। हम मानते हैं गेट ट्राली नहीं थी, गेट पास भी नहीं थे, कटे हुए थे,
परंतु वो गेट पास थे जो एडजस्टमेंट के माध्यम जैसे शुगर मिलों में होता है, कोई गन्ना किसी का माल किसी के उसमें डाल दिया पर्ची लेके, ये बात थी कि सिर्फ और कहीं फिर ये घोटाला तो है, फर्जी तो फर्जी कैसे हो गया जी? आप मैंने माल किसी और के नाम, मैंने आपका धान बेच दिया, धान बेच दिया, आप ही कह रहे ना कि माल किसी और के नाम, माल माल बेच दिया किसी और के, उसका माल भी तो बिका है ना, जिसका आया उसका माल बिका है ना, अब उसको सिर्फ अर्जेंट करना है कि भाई उसका गेट पास अब मिल जाएगा। अच्छा, वो आज तक पेंडिंग है, बिका क्या, वो तो पेंडिंग है, राइस मिलर उठा के ले जाओ। मामला दर्ज क्यों हुआ? मामला तो ये दर्ज इसलिए हुआ कि SDM ने जब देखा कि भाई वहाँ पे गेट पास तो है नहीं ना, माल तो है नहीं गेट पास है, तो आपके SDM से उस टाइम बात नहीं हुई थी कि ये मामला हमारे से कौन बात करता है? कोई बातचीत नहीं, उसकी अपनी मर्जी से मामला दर्ज, अपनी मर्जी से हुआ सब कुछ, वो तो चलो SDM साहब। किसके नाम ज्ञापन दिया आज? आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। क्या मांग है? ये मांग है कि भाई एक तो परचेज कराई जाए मंडी में, उस दिन से बंद है जिनके पास जेन्युइन गेट पास है सब कुछ, और दूसरा इस मामले को बढ़िया स्तर के अधिकारी DSP सर स्तर के अधिकारी को देख के इसकी जांच कराई जाए, और अगर कोई लगता है आपको दोष है तो हम फिर उसमें कुछ कार्रवाई की जाए। अगर वैसे हमने बता दिया ये जो भी मामला है निर्दोष है सब लोग। अब आपको सीधा ले चलते हैं DC निशांत कुमार यादव के पास, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। इनमें जो हमारे आड़ती एसोसिएशन है, इनकी एक मांग है कि जब तक कोई इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके और दोषी साबित नहीं होता तब तक उसके किसी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो, और दूसरा कुछ परचेज इसकी वजह से रोक दी गई है उसको दोबारा से चालू कराया जाए। तो ये चीज़ें हमने नोट कर ली हैं, और जो जो पैडी जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, रजिस्टर्ड है पोर्टल पे, और जो गेट पास कटा हुआ है उसको परचेज करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रोक्योरमेंट शुरू कराएंगे, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर चाहे कोई मंडी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई आड़ती हो जिसके खिलाफ भी दोष साबित होता है उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। हमने आश्वासन दिया है आड़तियों को और बाकी लोगों को भी, व्यापारियों को भी, कि इससे कोई डरने की भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने गलती नहीं करी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। सर, मंडी में ऐसे कुछ कर्मचारी हैं अधिकारी हैं जो मंडी प्रबंधन में लगे हुए हैं सरकारी नौकरी पर, वो सालों से यहाँ पर टिके हुए हैं और वही जो है एजेंट के बीच में काम करते हैं, इस पर क्यों कार्रवाई होगी, क्या उनकी आज तक ट्रांसफर नहीं होती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें जांच में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस किस की मिली भगत है, उसके बाद उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कुछ मंडी ऑफिशियल्स के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है, जिस जिसका नाम इसमें संलिप्त होकर के आएंगे उसके खिलाफ। तो प्राइवेट कर्मचारी भी लगा सकते हैं ऐसे? प्राइवेट कर्मचारियों का मामला हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ लड़के इन्होंने लगाए हुए थे, उनका भी नाम हमने FIR में दर्ज करवाया है। लीगली बिल्कुल नहीं लगा सकते, जिसको भी अगर सेक्रेटरी को कोई भी प्राइवेट स्टाफ की आवश्यकता थी तो वो शासन से कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, सक्षम युवा हैं, उसको लेने चाहिए थे। तो इसमें उनकी जो संलिप्तता है और उनका जो इसमें योगदान है उसकी भी हम जांच। सर, आगे संलिप्तता पाई जाती है तो गिरफ्तारी भी होगी? जरूर, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे आगे, अगर कोई जिसका दोष सिद्ध होता है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.